नमस्कार। एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाते हुए फाउंडेशनल कोहट की कुछ पाठ्यक्रम को निकालना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को निकालने की, लोकार्पण करने की शुभ अवसर पे मंच पे उपस्थित देश के शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिनकी देखरेख में, जिनकी मार्गदर्शन में बनी है, ऐसे देश की प्रख्यात समाजशास्त्री वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर दिनेश चंद्र साकलानी जी, यहाँ उपस्थित एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष, देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर जे एस राजपूत जी, देश के चिकित्सा क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी डॉक्टर गंगाधर जी, विशिष्ट शिक्षाविद गोविंद शर्मा जी, इस पाठ्यक्रम को बनाने में सिलेबस कमिटी की प्रमुख प्रोफेसर शशिकला बंजारे जी, निपा के चांसलर आदरणीय महेश पंत जी, इग्नो के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष पद्मश्री आदरणीय चोमू कृष्ण शास्त्री जी, जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रह के इस सामग्री को बनाने में जिम्मेवारी लिया, ऐसे प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी, अनुराग बेहर जी, शंकर मरवाड़े जी, रघुनंदन जी, गोविंद जी, मेरे मित्र गजानंद जी तथा एनसीईआरटी के प्रमुख शिक्षाविद आदरणीय श्रीधर जी, सुनीति जी, रंजन जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षाविद महानुभवगण, विभिन्न स्कूल्स के शिक्षक शिक्षयित्री मित्रगण, वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, शिक्षा में रुचि रखने वाले समीक्षक और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चे और पत्रकार साथीगण, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की डिलीवरेबल्स में एक प्रमुख कदम उठाया गया। 2020 जुलाई से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, उस समय से लोगों के मन में एक उत्कंठा थी, आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक सैद्धांतिक मटेरियल सभी ने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट को सभी ने स्वीकार किया था, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जनसंवाद हुई थी। जैसे संविधान सभा में सारे पक्षों को सुन के उस समय की विद्वानों ने, एक्सपर्ट्स ने, अथॉरिटी ने भारत की संविधान बनाया था, वैसे ही 21वीं सेंचुरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत की मूल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में अनेक महानुभवों की कंट्रीब्यूशन से एनईपी बनी थी।
तब से एक उत्कंठा थी, आखिर उसमें डिलीवरेबल्स क्या आएगा, हाथ में क्या लगेगा। मेरे लिए एक बहुत गौरव की क्षण है, संतुष्टि की क्षण है। मैं इसलिए पहले एनईपी की विजनरी लीडरशिप को, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की इस विजन को नीचे लाया, बाद में एनसीएफ की स्टीयरिंग कमिटी की, सिलावस कमिटी की, और इसकी मटेरियल लिखने के लिए एनसीईआरटी की जो थिंक टैंक्स रहे, मैं इन सभी का देश की ओर से आभार प्रकट करता हूं।